देखिए हमारे शहर के लिए बड़ी बात है इस वक्त कि आज जिस प्रोग्राम के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यानी तारकेश्वर नाथ श्रीवास्तव वफा गोरखपुरी की पूरी जिंदगी का सरमाया समग्र जिसे कुल्लियात कहते हैं, और वो दो वॉल्यूम में तकरीबन 1200 पेजेस की, वो आपके सामने उसकी रूनुमाई उसका लोकार्पण हुआ चाहता है। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि शहर में इतना बड़ा आयोजन, साहित्य का आयोजन किताब के माध्यम से हुआ है, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के जो अंग्रेज़ी का उस्ताद रहा है पूरी ज़िंदगी, प्राचार्य रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो हिंदुस्तानी ज़बान में किया है, यानी उर्दू और हिंदी में किया है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन एक बार उन्हें ज़ोरदार तालियों से इसका इस्तकबाल करे, और वफा साहब एक बार आप जो नए बच्चे हैं उनको चेहरा दिखा दीजिए, ताकि कम से कम ये याद रहे कि ये वफा साहब यही हैं, ये सच्चे ऋषि रखें। ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता और संवेदनाओं के सच्चे संवाहक हैं। इन्हें न उर्दू से मतलब है न हिंदी से मतलब है, इन्हें ज़बान की वफादारी से मतलब है। उर्दू और हिंदी के नाम पे इतना पैसा खर्च करने वाला ये पहला शख्स है जो जब ये प्रिंसिपल थे तो बड़े से बड़े आयोजन उन्होंने किए, और हिंदुस्तान भर के तमाम कवियों और शायरों को उन्होंने बुलाया, और दिन में वो पहला कार्यक्रम ऐसा होता था जो दिन में होता था, उसे सुनने वाले बच्चे होते थे। एक बार मैंने अनाउंस किया कि अगले साल इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई एक बच्ची या एक बच्चा इस मंच पे पढ़ेगा और अपनी रचना पढ़ेगा। आप यकीन नहीं किया कि 10 बच्चे हमारे पास आए। तो ऐसा उस्ताद जो अंग्रेज़ी पढ़ाता हो और जिसने फराक साहब के नाम पे अपने आप को शामिल करते हुए अपनी शमूलियत जाहिर करते हुए गोरखपुरी लगाया, जबकि ये बेलथरा के रहने वाले हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी गोरखपुर को वक्फ कर दी, पूरी ज़िंदगी शायरी को वक्फ कर दी, कविता को वक्फ कर दी। इन्होंने अपना काम कर दिया, बाकी काम हम आपको करना है। प्रोफेसर आर डी राय साहब बैठे हुए हैं जिनके दर्जनों शोध छात्र रहे हैं, दर्जनों PhD करके इनके अंडर में पूरी दुनिया में आज हिंदी का परचम लहरा रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि या हिंदी में या उर्दू में इन पे काम होना चाहिए, शोध होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि ये जो किताब आपके सामने आ रही है ये हिंदुस्तानी सभ्यता और तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल है। इसमें आप एक शेर भी ऐसा नहीं पाएंगे जो आपके व्यवहार के खिलाफ हो, आपके नैतिकता के खिलाफ हो। कोई शेर आप उठा के देखेंगे तो चाहे वो मुक्तक हो, गजलें हों, उसमें सिर्फ जोड़ने की बात की गई है, उसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता को के संवाहक के रूप में आगे बढ़ाने की बात की गई है। मैं ऐसे वैसे किसी किताब की रस्म इजरा में जाता भी नहीं हूँ जहाँ अखलाकी तौर पे उनमें शेर ऐसे हों कि जो बच्चों में हम बैठ कर ना पढ़ सकें, लेकिन इस किताब के लिए मेरा दावा ये है कि आप बच्चे नहीं, आप कहीं भी इसे पढ़ सकते हैं, अपने परिवार में बैठ के पढ़ सकते हैं। सत्या दीदी भी आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि हम देर ना करें और जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू कर दें। हमारे बीच अभी वही बैठा लिया आज के दूल्हा, 76 वर्ष का दूल्हा जो है वफा गोरखपुरी, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मंच पे तशरीफ लाएं और बीच में अपना आसन ग्रहण करें। अमरनाथ जी उनको लेके चले। हर दिल अजीज इंसान बीच में और सामाजिक खिदमतगार और अदब के लिए पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दिया जिस शख्स ने, कोई ऐसी रस्म इजरा नहीं, कोई ऐसा लोकार्पण नहीं है जिसमें डॉक्टर अजीज़ को ना याद किया जाता रहा हो। डॉक्टर अजीज़ एक ऐसे हर दिल अजीज़ इंसान हैं जिन्हें कभी भी आप जगा सकते हैं, किसी वक्त भी जगा सकते हैं। वो पूरे कोविड भर जितने दिन लोगों की सेवाएं करनी थी खुफिया तौर पे उन्होंने सेवाएं की, फ़ोन पे सेवाएं की, जबकि खुद वो मरीज़ थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को समाज के लिए वक्फ कर दिया। आज हमारे बीच हैं और इस किताब की रस्म इजरा उन्हीं को करनी है। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर अजीज़ साहब से, ज़ोरदार तालियों में आप लोग जरा। हमारी बहन छोटी डॉक्टर सत्या पांडे, न वो हिंदू है न मुसलमान है, वो एक इंसान है।
वो भाषा और तहजीब के लिए अपने आप को वक्फ किए रहती है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ नुसरत अतीक से कि वो मंच पे उन्हें लेके आए। लट्टे सत्या पांडे राही फाउंडेशन आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन की सचिव नुसरत अतीक साहिबा मातूफ शायरा, वो भी सत्या दीदी का साथ देंगी। उसके बाद लोग आएंगे तो देखा जाएगा। मैं नुसरत अतीक से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो सत्या दीदी के बगल में लेंगे। दुनिया में बिना जुनून के कोई बड़ा काम नहीं होता है। मेरा एक शेर था और उसमें वफा साहब भी शामिल हैं, उसमें अजीज़ साहब भी शामिल हैं, उसमें अरशद जमाल सामानी साहब भी शामिल हैं, सत्या जी भी शामिल हैं कि चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, सबको पागल बनाए रहते हैं। तो बगैर जुनून के, बगैर पागलपन के कुछ नहीं होता। और मैंने ये देखा है कि वफा साहब में भी एक जुनून रहा है और बगैर जुनून के कोई नया काम नहीं होता है। तो उन्होंने ये जो समग्र तैयार किया या कराया, वो सिर्फ इसलिए कराया कि उनके पूरे ज़िंदगी का ये सरमाया है। राही आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन की बुनियाद सिर्फ इसलिए डाली गई कि यूँ तो शहर में बहुत से प्रोग्राम्स होते रहते हैं राही साहब के नाम पे, यहाँ के जो भी साहित्यकार और साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनके नाम पे, वो चाहे वो जिंदा हों, जिंदा पे तो कम होता है, लेकिन उनके दिवंगत होने के बाद, उनके मरहूम होने के बाद, उनके नाम से एकेडमीज बनाई जाएं, फाउंडेशंस बनाई जाएं, सोसाइटी बनाई जाए और उनके तहत उनकी यादों का सरमाया जिंदा रखा जाए। नुसरत ने ये बेड़ा उठाया है कि हर साल वो राही फाउंडेशन की तरफ से किसी बड़े इंसान का, जिसकी शोहरत बहसियत शायर, अदीब, सहाफ़ी, सामाजिक खिदमतगार हो, हम उसे जितना हमारी हैसियत है हम उनकी इमदाद भी करेंगे, उनकी किताबें भी छपवाएंगे और दूसरे ऐसे काम करेंगे जिससे राही साहब की यादें जिंदा रहें। एक नया काम मैंने ज़रूर इस बार किया है, वो ये किया है वफा साहब की इजाज़त से, कई शहर के वो लोग जो किसी भी क्षेत्र में रहे हों और दुनिया में ना हों, उनके परिवार के एक सदस्य को लेके ऐसा काम करना, ऐसे साहित्यकारों को सम्मानित करना जो इस क्षेत्र में आज जिंदा हैं और काम कर रहे हैं। बहरहाल एक सदर, एक अध्यक्ष की हमें ज़रूरत होती है। प्रोफेसर आर डी राय न सिर्फ एक व्यक्ति हैं बल्कि एक व्यक्तित्व हैं। पूरे हिंदी जगत में प्रोफेसर आर डी राय जैसा सरल स्वभाव का आदमी बहुत कम देखने को मिला है। आज के इस कार्यक्रम की वो अध्यक्षता करेंगे। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ अमरनाथ जायसवाल जी से कि वो तशरीफ़ लाएँ, उनको लेके मंच तक आएँ। प्रोफेसर उनको बिठा लो, हाँ इधर चलिए, वहीं बैठ जाइए। वो एक फारसी में एक मकूला है कि सदर हर जा के नशीना सदरस्त, अध्यक्ष कहीं भी बैठ जाए वो अध्यक्ष ही होता है। तो इसीलिए और साहित्यिक क्षेत्र में, साहित्य के जगत में, साहित्य की सभाओं में का अध्यक्ष जो होता है वो, आज तो नहीं लेकिन एक ज़माना ये था कि अगर वो किसी पढ़ते हुए कवि के कह दे कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाना होता था उनको। वो कह दे जलसा ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो जाता था। आज परंपराएं बदल गई हैं, आज लोगों की सोच बदल गई है, नए नए लोग आ रहे हैं, ऑनलाइन मुशायरे पढ़ते लोग आलमी और इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं। हम लोग 22-25 साल से अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरे पढ़ रहे हैं। अपने नाम के आगे लिखना अजीब लगता है, लेकिन नए नए बच्चे लिख रहे हैं तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बच्चे पलट के जवाब भी देने लगे हैं, जवाब सहन करने की शक्ति माँ बाप में भी आ गई है, बच्चों में नहीं आई है अभी, इसलिए कि ये संस्कार ही खत्म हो जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं उस पल के लिए बहुत देर तक आपका इंतज़ार आपको नहीं कराऊंगा। सम्मान भी बाद में हम करते रहेंगे लोगों का और जब लोग आ जाएंगे। इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि जिस के लिए ये बज़्म सजाई गई है, ये सभा मुनाकिद की गई है, यानी कुल्लियात वफा का विमोचन, ये सारे बड़े लोग मंच पर इस वक्त हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कुल्लियात वफा का विमोचन हो और ज़ोरदार तालियों में हो। और मैं कई लोगों को, कमेटी के लोगों को,
रविंद्र त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, दीपक ज्ञानेंद्र दीपक जी बैठे हुए हैं और बहुत से लोग लोकेश शुक्ला जी बैठे हुए हैं। ये सारे लोग यहाँ आ जाएं, इसके विमोचन में शामिल हो जाएं और उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम चलता रहेगा। देखिए ये दो वॉल्यूम में किताब है, लगभग 1200-1250 सफ़े की, तो दो दो किताबें अगर मतलब कोविड ने परेशान ना किया हो तो दो किताबें एक आदमी हाथ में ले सकता है। श्यामा तुम भी आ जाओ, खड़ी हो जा, राकेश जी आ जाए, लोकेश जी आ जाए, राकेश भाई आ जाओ, प्रवीण श्रीवास्तव, सब लोग खड़े हो जाइए, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, भरा भरा सा लगेगा। नीलिमा जी, जितने लोग खड़े हो सके, मुझे छोड़ के बाकी सब लोग आ जाए।